गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम मिस्टर राजीव कुमार हेयर बिफोर यू। आई शैल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके। योर बुक मस्ट बी विथ यू, कॉपी एंड पेन एज वेल, सो दैट whatever I say write on the board, you will be able to copy it, okay? So my dear students, get ready, here I am. I shall teach you, dear students, number. I shall teach you number. नंबर हिंदी मीनिंग इज वचन। नंबर, इट इज द वाइटल टॉपिक इज इन इंग्लिश ग्रामर। इट इज द वाइटल टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, टॉपिक है ना? एग्जाम में बच्चों नंबर से क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लुरल। आप लोग माइंड पर जोर डालिए, सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो सिंगुलर से प्लुरल सही से कैसे बनेगा, तो इसका तौर तरीका जानेंगे तब तो बना पाएंगे। आर यू रेडी टू नो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, नोइंग इट्स रूल एंड रेगुलेशन, I would like to tell you something about number. What is number? Number Hindi meaning is वचन। आसान शब्दों में समझ लीजिए संख्या। आसान शब्दों में क्या समझा जाएगा? संख्या। Number एक ऐसा शब्द है, नंबर एक ऐसा शब्द है जिससे किसी व्यक्ति का, जिससे किसी जानवर का, जिससे किसी वस्तु के का संख्या का पता चलता है कि वो आदमी, वो जानवर, वो वस्तु संख्या में कितना है, एक है या अनेक है, whether it is singular or it is plural। That very thing you with know from number। ये सारी बात हम लोग नंबर से जानते हैं, है ना? ओके, काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर two kinds of number. There are two kinds of number. Number दो तरह के होते हैं, वचन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। वन इज सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज प्लुरल नंबर।
वन इज सिंगुलर नंबर, जिसको हिंदी में बच्चों हम लोग कहेंगे एक वचन। एक वचन कहने से क्या पता चलता है? एक व्यक्ति, एक जानवर, एक वस्तु, एक वचन कहने से हम लोग ये जानते हैं कि एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, एक जानवर के बारे में बात किया जा रहा है, या नहीं तो एक वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो एक वचन से यही पता चलता है, ध्यान में रखेंगे। नंबर व्हिच डिनोट्स वन पर्सन, वन थिंग और वन आर्टिकल्स और थिंग। अंडरस्टैंड? नाउ वी शैल नो द सेकेंड काइंड्स। अब हम लोग इसका सेकेंड काइंड्स के बारे में जानेंगे। अब इसका हम लोग सेकेंड काइंड, दूसरा नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर। दूसरा नंबर बच्चों प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को हिंदी में कहेंगे बहुवचन। ऐसा वचन जिससे एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि आदमी, एक से अधिक आदमी, एक से अधिक जानवर, एक से अधिक वस्तु का पता चले। क्या? एक से अधिक आदमी, एक से अधिक जानवर, एक से अधिक वस्तुएं, है ना? जैसे कि बोलते हैं मैंगोज, जैसे कि बोलते हैं बुक्स, है ना? जैसे कि बोलते हैं पेंस, पेंस बोलते हैं ना, पेंस। तो पेंस का यदि हिंदी पूछा जाए, बच्चों बताओ पेंस का हिंदी क्या हुआ, तो आप लोग क्या कहेंगे? कलम कहेंगे तो गलती हो जाएगी, कलम कहेंगे तो गलती हो जाएगी। इसका सही हिंदी हो जाएगा बच्चों कलमे, एक से ज्यादा कलम, एक से ज्यादा कलम, जैसे कि बुक, है ना? जैसे कि हो गया ट्वाइज। देखो बुक्स कहने से क्या पता चलता है? बुक्स कहने से ये पता है, बुक का हिंदी मीनिंग हो गया किताबें, मतलब एक से ज्यादा किताब। तो हम तो बतलाए बच्चों कि एक से ज्यादा कुछ भी होगा, या व्यक्ति या जानवर या नहीं तो चीज, तो प्लूरल में हो, प्लूरल कहलाएगा। तो यहाँ बुक्स हो गया किताबें, मतलब एक से ज्यादा किताब की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया बुक्स, हो गया प्लूरल। ट्वाइज खिलौने, खिलौने बोलने से ऐसा लग रहा है एक से ज्यादा खिलौना का बात किया जा रहा है ना? खिलौने बोलने से क्या लग रहा है बच्चों? खिलौने बोलने से यही पता चल रहा है कि कोई बात कर रहे हैं एक से ज्यादा खिलौने के बारे में। तो खिलौने जो हो गया प्लूरल हो गया। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स हैव आई हैव रिटन, आई हैव रिटन थ्री वर्ड्स and all those words are plural because they are more than one, क्योंकि ये सभी जो है एक से ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। समझ गए? गुड। Now,
सिंगुलर नंबर एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोग को ताकि ध्यान में रहेगा। सिंगुलर नंबर इट डिनोट्स वन पर्सन एनिमल एनिमल और थिंग। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हो जाएगा बुक पेन मैंगो। ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं बुक पेन मैंगो। बुक मतलब किताब, किताब बोलने से एक किताब का पता चल रहा है, एक वचन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। पेन बोलने से एक कलम के बारे में जानकारी मिल रही है ना, तो पेन जो है सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। मैंगो, मैंगो मतलब आम, आम बोलने से एक आम के बारे में पता चल रहा है, तो ये मैंगो जो हो गया सिंगुलर हो गया। अब आइए हम लोग प्लूरल के बारे में, अबाउट इट डिनोट्स अबाउट मोर देन more than one person more than one person animal और थिंग और थिंग। जैसा कि मैंने आपको 5 मिनट पहले ही बताया, मैं अब बोर्ड में लिख भी दिया हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा ध्यान में रहे, है ना। आप लोगों के जानकारी के लिए हमेशा आप लोगों के मेमोरी में रहे, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ। इट डिनोट्स अबाउट मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग। बहुवचन बच्चों एक से अधिक आदमी के बारे में, इससे एक से अधिक आदमी, एक से अधिक जानवर, एक से अधिक चीज का पता चलता है, है ना। जैसे कि हो गया बुक्स, बुक्स मतलब किताबें। अब ध्यान दो, किताबें बोलने से एक से अधिक किताब के बारे में बात किया जा रहा है, एक से अधिक किताब की चर्चा हो रही है। तो बताया मैंने एक से अधिक कुछ भी होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, एक से अधिक कुछ भी होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। पेंस, पेंस माने कलमे, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल कहलाएगा ये। मैंगोज आमे, एक से अधिक हो गया तो ये प्लूरल हो गया। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इफ यू आर लिटिल बिट प्रॉब्लम देन कॉमेंट, आई शैल सॉल्व योर प्रॉब्लम। नाउ वी शैल नो द रूल एंड रेगुलेशन हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। आर यू रेडी फॉर इट? जी सर, जी सर, क्लास में है, क्लास ले रहे हैं। जी सर, हम क्लास ले रहे हैं, आपसे सर यह नहीं है सर। ठीक है सर। बच्चों, नाउ वी शैल नो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। नाउ आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, हैव यू रिटन? मे आई क्लीन? ओके।
Now roles to change singular into plural. It is a vital point. You will be serious. रोल्स टू चेंज बनाने के आइए हम लोग जानते हैं. लुक ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग वर्बली, लेटर ऑन आई शैल राइट ऑन द बोर्ड. पहले मैं मौखिक रूप से आपको कुछ समझा रहा हूँ एक मिनट, फिर मैं डोंट वरी आई शैल राइट ऑन द बोर्ड एज वेल. ट्राई टू कीप इन योर मेमोरी बिकॉज your memory will help you till then you are on the earth. अगर याद रहेगा बच्चों तो धरती पर जब तक हम लोग रहेंगे ना तब तक वो काम आएगा, हेल्प करेगा. अगर सपोज लिखने के चक्कर में रहे हम लोग, हमेशा कॉपी करने के चक्कर में रहे, उतारने के चक्कर में, बाय द वे कॉपी गुम हो गया तो, बाय द वे कॉपी फट गया तो, तब तो सब भूल जाएंगे ना, सब भूल जाएंगे, वो बेकार हो गया. फिर आपको किसी सर से कांटेक्ट करना होगा, किसी को खुशामद करना होगा. सो मेरे कहने का मतलब है ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप इट इन योर मेमोरी सो दैट इट विल हेल्प यू टिल देन यू आर ऑन द अर्थ. ओके, रोज टू चेंज सिमिलर इन टू प्लूरल. द वर्ड व्हिच एंड्स द इंग्लिश वर्ड्स व्हिच एंड्स विथ सी एच एस एच एस डबल एस ओ एक्स एंड जेड विथ सच टाइप ऑफ वर्ड्स yes will be added to form plural. You understand? Now in Hindi, now I am convincing you in Hindi. मैं अब आप लोगों को हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Try to understand. बच्चों ऐसे अंग्रेजी के शब्द जो ch से last करते हैं, sh से last करते हों, एस से लास्ट करते हों, डबल एस से लास्ट करते हों, ओ से लास्ट करते हों, एक्स से लास्ट करते हों, जेड से लास्ट करते हों, तो उन सारे शब्दों के साथ ई एस लगाकर उसका उन सभी शब्दों का प्लूरल बनेगा. इज इट क्लियर? जैसे कि हो गया बेंच, जैसे की होगी चर्च. आप देखो दो शब्दों पर ध्यान दो. बेंच का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? बी एन सी एच आया ना. तो मैंने क्या कहा था कि सी एच से लास्ट करेगा तो ई एस लगकर पुलल बनेगा. सी एच से तो लास्ट किया, क्या लगना चाहिए? ई एस लगना चाहिए. चर्च, चर्च हिंदी मीनिंग इज गिरजाघर. जिस तरह हम लोग गिरजाघर में ईसाई लोग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, है ना, जिस तरह हम लोग हिंदू लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने, तो ईसाई लोग क्रिश्चियन लोग पूजा करने प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? गिरजाघर. इंग्लिश में कहेंगे चर्च. सी एच यू आर सी एच चर्च. सी एच यू आर सी एच. सी एच से लास्ट किया, आया ना सी एच. मैंने कहा था ना सी एच से लास्ट करेगा तो सी एच तो है, क्या लगना चाहिए? सी एच लगना चाहिए. यस यू आर राइट वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ध्यान में रखना है. नाउ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, प्लीज राइट डाउन. इंग्लिश वर्ड
English word which end with CH, SH, single S, double S, O, X, Z. Z. Apply. Yes. To change singular into plural. To change singular छोड़ दो. To change singular into plural. To change singular into plural. आइए हम लोग एग्जाम्पल देखें. पहले हम लोग बच्चों देखते हैं सी एच का कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सी एच से लास्ट करते हैं. सी एच से लास्ट करने वाले वर्ड्स हो गए बच्चों. बेंच चर्च ब्रश नहीं इंच बूस मीन्स झाड़ी. बूस में भी बच्चों एस एच आ गया. अच्छा दूसरा सी एच वाला देखो. वॉच इसमें सी एच आया. ब्रांच सी एच से लास्ट कर रहा है. इतना काफी है. देखो आई हैव रिटन फाइव वर्ड्स एंडिंग विथ सी एच. मैंने पांच वर्ड्स लिखे हैं जो सी एच से लास्ट कर रहा है. तो मैंने कहा बच्चों ऐसे वर्ड्स जो सी एच से लास्ट करते हों तो उन शब्दों का प्लूरल एस लगकर बनेगा. तो सी एस से लास्ट कर रहा है तो क्या लगना चाहिए. एस लगा देंगे अंत में प्लूरल बन जाएगा. तो बेंच के लास्ट में एस लगा दिए प्लूरल बन गया. तो क्या प्लूरल बना बच्चों. बेंच का बेंचेज. उसी तरह ठीक इसी तरह जो ऊपर वाला जिस तरह बनाए ठीक उसी तरह नीचे वाला बनेगा. क्योंकि इसके भी अंत में तो सी एच है तो यहाँ भी ई एस लगकर बनेगा. तो हो जाएगा चर्चेज. ई एस लग गया चर्चेज. इंच का भी सी एच से लास्ट किया है इसके भी अंत में ई एस लगाएंगे तो हो जाएगा प्लूरल इंचेज. एनी प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. गुड वेरी गुड. इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू हैव नो प्रॉब्लम. वॉच सी एस से लास्ट किया ई एस लग गया वॉचेज. ब्रांच सी एस से लास्ट किया ई एस लग जाएगा पुलल बन जाएगा ब्रांचेज. अंडरस्टैंड. नाउ राइट डाउन क्विकली डियर स्टूडेंट. राइट डाउन क्विकली. आई शैल नो अबाउट द वर्ड्स व्हिच एंड्स विथ एस एच एंड एस एच ये सी एच वाला हुआ. ये कौन सा वाला हुआ सी एच वाला. अब एस एच वाला देखिए. एस एच से जो लास्ट करता है एस एच से जो वर्ड्स लास्ट करता है वैसे वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनेगा. मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस एच
जैसे हो गया बुश, बुश मीन्स झाड़ी, ऐसे हो गया है ना। फिर जाकर हो गया डिश, डिश मीन्स तस्तरी, जिसको प्लेट कहते हैं हम लोग, ब्रश, गौर करेंगे सभी के अंत में ऐसा चाह रहा है, सभी के अंत में ऐसा चाह रहा है। फीस तो मैंने बताया ऐसे सब जो SH से भी लास्ट करेंगे SH से, तो वैसे शब्द का प्लूरल ES लगकर बनेगा, तो बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अंत में ES लगा दीजिए, प्लूरल बन गया, कोई दिक्कत। BUSHES बूसेज, DISHES डीसेज, ठीक है। BRUSH BRUSH ब्रशेज, FISH फीसेज, है ना। बूस मीन्स झाड़ी, अभी है एक ब्रश, ब्रशेज पुलल, फीस फीसेज पुलल, समझ रहे हैं बच्चों। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे, कोशिश कीजिए, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ मूविंग अहेड, आई एम क्लीनिंग द टॉप पार्ट्स, इन द टॉप पार्ट्स व्हाट एवर आई हैव रिटन, आई एम क्लीनिंग दोज वेरी लाइन्स, अंडरस्टैंड। अब देखिए एच से जो लास्ट करेगा, जो वर्ड बच्चों एच से लास्ट करेगा उसके साथ भी ES लगकर बनेगा, जैसे बस, बस से आप लोग आते हैं ना स्कूल, बस से स्कूल आते हैं ना बाबू, घर से बस से स्कूल आते हैं, गांव जाते हैं, कहीं भी जाते हैं बस से जाते हैं ना। बस का स्पेलिंग BUS, तो मैंने कहा जो वर्ड्स एस से लास्ट करेगा बच्चों तो ES जोड़ देंगे तो पुल्लल हो जाएगा, BUSES, तो बस का पुल्लल क्या हो जाएगा, बसेज, है ना। जैसे गैस, जैसे हम लोग सांस लेने में बच्चों कौन सा गैस श्वास लेने में लेते हैं, आप लोग को तो मालूम होगा, साइंस पढ़ते हैं ना आप लोग, श्वास लेने में ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं ना, ऑक्सीजन गैस, तो गैस का स्पेलिंग होता है GAS। अब ध्यान दीजिए लास्ट वाला अक्षर S है ना, मैंने तो कहा था कि S से जो वर्ड इंग्लिश वर्ड लास्ट करेगा ES लगेगा, तो S से तो लास्ट किया है, ES लगना चाहिए ना, ES लगाइए, तो क्या हो गया बच्चों, गैसेज। डू यू अंडरस्टैंड, समझ रहे ना। नेक्स्ट वर्ड इज डबल एस वाले वर्ड्स का जानते हैं, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, CLASS क्लास। अब ध्यान देने की बात है, मैं बताया कि जो वर्ड डबल एस से लास्ट करेगा तो उसका प्लूरल ES लगकर बनेगा, तो बच्चों क्लास के अंत में ES लगा देंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा क्लासेज, तो ये हो गया प्लूरल क्लासेज।
इस तरह से एस वाला डबल एस वाला हो गया, जैसे कि एस होगा, एस मीन्स क्या होता है, एस मीन्स गधा, एस मीन्स गधा, गधा का स्पेलिंग बच्चों ए डबल एस। मैंने कहा, मैंने बतलाया आप लोगों को बच्चों कि डबल एस से लास्ट करेगा ना तो उस शब्द का प्लुरल ई एस लगकर बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये एस जो है डबल एस से लास्ट कर रहा है तो यहाँ ई एस लगाएंगे तो प्लुरल बनेगा ए डबल एस ई एस, ठीक है। उसी तरह ओ वाला देखिए, हम लोग ओ ऐसे वर्ड जो ओ से लास्ट करते हैं, ओ से लास्ट करते हैं उस वर्ड का प्लुरल, ओ से लास्ट करते हैं जो शब्द, जैसे कि मैंगो, जैसे कि पोटैटो, जैसे कि मॉस्किटो, है ना, मॉस्किटो। ध्यान दो, सभी के अंत में जो है ओ मिलेगा तुमको, मॉस्किटो, पोटैटो, मैंगो, कार्गो। तो मैंगो का हो गया मैंगोज, पोटैटो का हो जाएगा बाबू पोटैटोज, सॉरी एक मिनट, पोटैटोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज। और बाद बाकी बच्चों आप सोचते हो कि एस किस में लगेगा, एस लगेगा जिस शब्द के अंत में सी एच एस एच एस डबल एस ओ एक्स जेड नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे कि बुक, बुक के अंत में एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, नहीं है, तो बुक के अंत में एस लग जाएगा बी डबल ओ के एस बुक्स। पेन, पेन के अंत में एस है, डबल एस है, ओ है, एक्स है, जेड है, नहीं है, तो पेन में एस लगा देंगे लास्ट में पुल्लल हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिसके अंत में सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स जेड नहीं होगा उसके साथ एस लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, मोर इन द नेक्स्ट पीरियड, टिल देन बाय। सर कहाँ से क्लोज होगा सर?